हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें हम एमसीक्यू के नाम से भी जानते हैं। वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन जो जितने भी प्रोज और पोएट्री से होते हैं, स्टोरी या पोएम्स से होते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत। यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले ऑप्शन है लेंचो रोट ए लेटर टू। लेंचो ने पत्र लिखा था, तो किसको लिखा था? तो उसने लिखा था गॉड को, भगवान को पत्र लिखा था उसने। सेकंड वाला ऑप्शन है व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या पुकारा था उसने? तो क्रुक्स पुकारा था, क्रुक्स। थर्ड वाला ऑप्शन है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, अफेक्ट द पोएट, यानी कि कवि को कैसे प्रभावित किया था डस्ट ऑफ स्नो ने? तो इट चेंज्ड हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल दी थी। व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ, आइस का प्रतीक क्या है? तो हेटर्ड इसका प्रतीक रहेगा। अगला ऑप्शन है व्हाट डिफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो इसका आंसर रहेगा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अगला ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, प्राकृतिक रूप से क्या आता है मानव हृदय में? तो वो आता है लव, इसने आता है। अगला ऑप्शन है हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, कैसी प्रतिक्रिया करता है जो बाघ बंद रहता है, वहाँ कैसी प्रतिक्रिया करता है? तो ही इग्नोर्स देम, वहाँ सभी को नज़रअंदाज करता है। द लेसन हीज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, किसके बारे में है फर्स्ट फ्लाइट? तो सेगल, सेगल एक पक्षी होता है, उसके बारे में है यह फर्स्ट फ्लाइट। आगे है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सेगल हैव, कितने भाई थे यंग सेगल के? तो टू ब्रदर्स। हु वाज विथ द यंग सेगल ऑन द लेज, कौन था उसके किनारे पर सेगल के पास, युवा सेगल के पास साथ कौन था? तो ही वाज एलोन, वह अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। अगला है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, यानी कि वह देखती है रचयिता की ओर, कैसे देखती है? तो स्ट्रेंजली, यानी कि अजीब तरह से। वाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल, क्या है विशेष योग्यताएं क्रोकोडाइल के अंदर, क्या क्या योग्यताएं होती है विशेष तरह से? तो इसमें आ जाएगा विप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, जब भी वहां अपने शिकार को खाता है तो वो रोता है, ऐसा लगता है। आगे देखते हैं हु स्माइल्स वाइल कैचिंग देयर प्रे, यानी कि कौन मुस्कुराती रहती है या कौन मुस्कुराता है जब वो अपने शिकार को पकड़ता है? तो हेना, इसका आंसर आ जाएगा हेना। नेक्स्ट है इन वाट इन द बाल पोयम वाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसिडन मीन, पोसिडन का मतलब क्या बताया गया है बाल पोयम में? तो द मटेरियलिस्टिक थिंग्स इसका आंसर रहेगा। अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएट वाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बाल पोयम, यानी कि कवि के अनुसार बाल पोयम में या द बाल पोयम में कवि को बच्चा क्या सीखता है उससे? तो टू बियर लॉस, यानी कि कुछ खोना सीखता है उसमें। हाउ मच ए बाल कॉस्ट, कितने रुपए की हो सकती है वो बाल? तो ए वन डाइम या एक डाइम की होती है। अगला है एन्स बेस्ट फ्रेंड वाज, एन की सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो हर डायरी, उसकी डायरी है। हु असाइनेड एन टू एन, हु असाइनेड एन एनी या एन एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट्स ए चटर बॉक्स, यानी कि किसने उसको चटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखने के लिए दिया था? तो मिस्टर किसिंग, उसके जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो। वाट वाज द नेम ऑफ एन्स डायरी या एनीज डायरी? तो किटी, उसकी डायरी का नाम किटी था। नेक्स्ट आगे है इफ अमांडा इज एन ऑर्फन, यदि अमांडा एक अनाथ होती तो व्हाट विल शी डू, वो क्या करती? तो शी विल रूम
अबाउट इन द स्ट्रीट्स, तो वो गलियों में घूमती रहती। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट आस्क अमांडा टू स्टॉप डूइंग इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। What does the poet ask Amanda to stop doing in the last stanza of the poem? क्या करने के लिए कहता है वो कवि, तो stop sulking। Next है, what is the sweet bread called in Goa which accompanies the marriage gift? क्या मैरिज गिफ्ट देते हैं गोवा में और उसे क्या पुकारते हैं, तो उसे बोलते हैं बोल, बोल पुकारते हैं उसको। आगे है, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, तो इसका सटक सही आंसर रहेगा गोवा, सटीक आंसर या सही आंसर रहेगा गोवा। आगे देखते हैं, द एम्ब्रॉयडर्ड वेट्स बेल्ट वोर्न बाय द कोडाउस इज कॉल्ड, यानी कि जो कोडाऊ जो बेल्ट पहनते हैं वो क्या है, तो कूपिया, कुपिया उनके पास रहता है। आगे है, कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, तो इट्स कॉफी या कॉफी इसका आंसर आ जाएगा। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, असम में कौन सा पौधा ज्यादा प्रसिद्ध है, तो टी प्लांटेशन या चाय पत्ती के पौधे या पेड़, वैसे वो झाड़ियां होती है। हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, कौन ज्यादा उत्तेजित हो जाता है टी गार्डन को देख करके, तो इसका आंसर रहेगा राजवीर, क्योंकि राजवीर का वो गांव नहीं था, प्रांजल का गांव था। आगे चलते हैं, इन द पोएम द ट्रीज द पोएटेस कंपेयर्स द ट्री ब्रांचेस टू, यानी कि पेड़ की टहनियों की किससे तुलना की है कवि ने, तो ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी कि जो अभी अभी जो न्यू डिस्चार्ज पेशेंट आता है ना, उसकी तुलना की है पेड़ की टहनियों से, या पेड़ की टहनियों की तुलना न्यू डिस्चार्ज पेशेंट से की है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब इन द पोएम द ट्रीज, यानी कि कैसे पेड़ बताए गए हैं द ट्रीज पोएम में, तो डेकोरेटेड ट्रीज यानी कि सजे हुए, डेकोरेटिव ट्रीज यानी कि सजे हुए बताए गए हैं। इन द बिगिनिंग द ओटर वाज, यानी कि शुरुआत में ओटर क्या था, तो एलूफ एंड इनडिफरेंट, यानी कि अलग ही नजर आ रहा था वो। नेक्स्ट है, वाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ओटर बिलोंग टू, किस प्रकार के जानवरों से ओटर को जोड़ा गया था, तो मस्टेलिन्स से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, वाट नेम वाज गिवन टू ओटर, यानी कि ओटर को क्या नाम दिया गया था, तो मिजबिल उसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट, वाट डज द फॉग डू वाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर, यानी कि जब बंदरगाह और शहरों पर जो आती है फोग, वो कैसी नजर आती है, तो वो नजर आती है हमें सीट्स बैठी हुई नजर आती है हमें। द पोएट हैज कंपेयर्ड द फोग विथ, किससे तुलना की है कवि ने, तो ए कैट, एक बिल्ली से तुलना की है उसकी। ऑन विच ट्री वाज द क्रो सीटिंग, कौन से पेड़ पर कौवा बैठा हुआ है कविता में या पोएम में, तो हेमलॉक ट्री, वो एक हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड वल्ली विश फॉर, वल्ली की क्या इच्छा थी, क्या करने की इच्छा थी, तो बस राइड, बस में सवारी करने की इच्छा थी उसकी। व्हाट डज इट कॉल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ट्रीट, यानी कि जब आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है कि जब वल्ली ने मना कर दिया, जब कंडक्टर ने कहा कि आप मैडम नीचे जा सकती है, तो उसने अपने आप को रेस्पॉन्सिबल माना कि वो अगर नीचे जाएगी तो समस्या आ सकती है या फिर इनको दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो रेस्पॉन्सिबल मानती है अपने आप को। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, किसके लिए रोता रहता है ड्रैगन, तो फॉर ए सेफ केज, एक सुरक्षित केज या पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता है वो। हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है, तो बिलिंडाज लिटिल येलो डॉग, बिलिंडा का एक छोटा पीला कुत्ता। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ ए ब्लैक किटन, ब्लैक किटन का क्या नाम है, तो उसका नाम रखा गया था इंक। नेक्स्ट है, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है, तो इन इंग्लाइटमेंट, इंग्लाइटमेंट मतलब प्रज्वलित या फिर ज्ञान देने वाले भी कह सकते हैं, बुद्ध को कहते भी थे। बुद्धा आस्क कीसा गौतमी टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए कहा था उन्होंने, तो ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स,
एक मुट्ठी दाने मस्टर्ड के। नेक्स्ट, सिद्धार्थ वांटेड वंडर्ड फोर इयर्स, कितने साल रहे थे वो वंडर्ड या घूमते फिरते रहे, तो 7 इयर्स। द कलर ऑफ द रामपार्ट्स ऑफ येलो लेडीज यंग लेडी इज, यंग लेडी इज यानी कि कैसे कैसे कलर के बाल थे उसके रामपार्ट्स जिन्हें हम कहते हैं हेयर, तो हनी कलर्ड यानी कि हल्के पीले कलर के थे। व्हाट डज द गर्ल वांट टू वांट इन पोएम फॉर एन ग्रेगरी, क्या चाहती है वो एन ग्रेगरी पोएम में वहाँ लड़की या वह महिला, तो टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ यानी कि वो चाहती है कि उसके स्वयं के लिए उससे स्नेह करें ना कि उसके बालों के कारण। नेक्स्ट, हु कैन लव फॉर अस, लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ टू लुक, कौन हमसे स्नेह कर सकता है हमारे लिए ना कि हम जैसे दिखते हैं उस लिए उसके कारण, तो हमसे गॉड ही कर सकते हैं ये सब। हु इज स्क्विज्ड बिटवीन लेमो एंड नटालिया इमोशनली, यानी कि किसने जोड़ा था उन्हें नटालिया और लेमो को, तो नटालिया फादर उनके पिता ने। फॉर विच लैंड लोमो एंड नटालिया वर फाइटिंग अबाउट, नटालिया और लोमो किस जगह के बारे में लड़ रहे थे, किस स्थान के बारे में, किस कौन सी भूमि के बारे में लड़ रहे थे, तो ऑक्सेन मेडोक्स के बारे में लड़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू लोमो, लोमो के अनुसार वाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्विजर, तो 25 रूबल्स, इसका आंसर 25 रूबल्स रहेगा। उम्मीद है आप सभी को यहाँ सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, नहीं आए हो तो दोबारा से देखना और अच्छे से समझना इनको और आने वाली परीक्षा के हिसाब से इसकी तैयारी करना ताकि आपके अधिक से अधिक नंबर आए। और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। क्लास 12th के भी इस पर मैं अच्छे से वीडियो बना करके डालता रहता हूँ। उम्मीद आप सभी को यहाँ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।